ये बंसी से क्या बैर पड़ गया, बंसी क्या हमारे। दिनराज जो है वो ठाकुर जी के श्रीहस्त में रहे, दिनराज जो है वो अधरामृत पान करे, और फिर भी जो है वो कोई जात को फ्री नहीं, ठाकुर जी को छोड़ा ही नहीं, बंसी कहां बैर पड़ी है के। तो ये जो द्वेष जो है वो गोपीकांत के वक्त जो शुरू भयो शिव जी को और इनको, वो अभी तक अपन थोड़ा थोड़ा बाकी और कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि अपना संप्रदाय भी शिव जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहा जाए, या कि आद्य आचार्य रुद्र हैं, मैंने रुद्र ने ही अपने को बुलाया है कृष्ण की तरफ, पर बुलावे तब तो अच्छे लगे, और खुद ही भक्ति करने लग जाए और अपने को नहीं बुलावे तो वो गाली देनी पड़ेगी। चक्कर ये है, दिन रात खुद भक्ति करते रहे आंख मीच के, हैं? ठाकुर जी अपने हाथ में आ गए, अपने हाथ में नहीं आ गए तो फिर झगड़ा पड़ गया। ये विवाद वह वक्त से चल रहे है तो अभी तक चल रहे है। कई रसखंड जी के कई सवाल हैं, पद भरे पड़े मुरली के तो पद गाए जाए, रास लीला मैंने शरद पूनम के पहले मुरली के पूरे पद गाए जाए, और वो गाली से ही भरे गए हैं शुद्ध, सब तरह की गाली है। मैंने यहाँ तक गोपिकाएं निर्णय करें कि एक दिन ऐसा करो कि जंगल में जाके जितने बांस के पेड़ हैं इनको भी जला दो, कि न रहे बांस न बजे बांस, ये बांस है तो बंसी बने ना, ये बांस ही जला दो सब तो फिर बंसी बजेगी कैसे। ये अंशु भाई जो है वो चिन्मयानंद जी को संबंध छुड़वा में मा सकते, न रहे बांस न बजे बांस। तो ये पुराना द्वेष है, नया द्वेष नहीं है। उर्दू में कह जाए पुष्ट गुजरी है इस राह की सयाही, मैंने या मार्ग में हमारे जनरेशन टू जनरेशन हम चलते आए हैं, झगड़ते 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 चलते रहेंगे और झगड़ा चलते रहेगा, वही में शिवजी को भी मजा है और अपने को भी मजा है। ये झगड़ा चलना चाहिए क्योंकि मधुर झगड़ा है। ये क्षोभजनक झगड़ा है ना, भाव नहीं है, ताई भाव नहीं है। मरकला में भी आ गया डायरी बाजू में ये वही कहें, विहरणम यत् चलनम वेणुवादनादिना, क्यों क्षोभजनकम भवति रसो भगवदीया आकाराद बहिस्थाप्यते इति विशेषेण हरणम यस्मादिति। तो क्या हुआ है कि वेणु को बहुत असाधारण सामर्थ्य है विद्यारूप, न केवल ये भक्तन के मन को हर के भगवान के पास ले जाए, वेणु जा बखत बजे वा बखत भक्त के मन हर के भगवान के पास चले जाए, पर भगवान के स्वरूप को भी हर के भक्त के मन में पधरा दे, हृदय में पधरा दे, क्योंकि वेणु वादन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान को स्वरूप जो भगवान की जो आकृति है वो तो भगवान में रहनी चाहिए, वहां से ये वेणु के नाद के प्रणाली से भक्त के हृदय में आके स्थिर हो गया वो आकृति। तो भक्त में सु भक्त को हृदय भगवान के पास छोड़ के पहुंचा दे, और भगवान की जो आकृति है भगवान को जो रूप है माधुर्य है वो भगवान में सु यहां भक्त के हृदय में लाके पधरा दे, तो या तरह को गड़बड़ सड़बड़ करे, चोर चोरी नहीं करे पर हेराफेरी तो करे ना कम से कम थोड़ी। हमारे पंडित जी
अब ये तो रिकॉर्ड हो रही है या ये गड़बड़ है, कह दो प्रसंग आयो तो पंडित जी और उत्तम जी को रूम पड़ोस में, पंडित जी को हो गया बेचारे को इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती तो रात भर गाना गाते हो, उत्तम जी को रात को खटका भी हो गया तो नींद उड़ जाए, इतनी कच्ची नींद, आखिरी रात परेशानी होती उसको। अब दोनों करें क्या, वो अपने स्वभाव से लाचार, ये अपने स्वभाव से लाचार, अब रात भर गाना गावे तो उत्तम जी की नींद उड़ जाए तो बैठ के उत्तम जी पलंग पर तबला बजाते पंडित जी को लगता है कि ये इंसल्ट हो रहे हैं मेरे गाना गाऊं तो तबला क्यों बजावे, उसको पार्टीशन बजावे डम 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 तो या तो ऐसी दौलत में द्वेष बढ़े हो, खूब बढ़ते बढ़ते इतने बढ़े हो कि पंडित जी फिर छिए जाए या नहावे जाए तो उत्तम जी क्या करें, पार्टीशन में से कूदे और कूद के उनकी बाल्टी यहां रखी हो तो वहां रख दें, कपड़ा यहां रखे तो वहां रख दें, चोरी को तो उत्तम जी को कोई काम नहीं, चोरी क्यों करे उत्तम जी, चोरी नहीं कर सके तो वस्तु विनिमय कर दे, उठाए सब रूम अव्यवस्थित करके कूद के अपने पार्टीशन में फिर जाके सो जाए। पंडित जी कंप्लेन मुझसे करी कि अद्य मम ग्रह प्रकोष्ठे वस्तु विनिमय हो जाता, मैंने कि वस्तु विनिमय कथा नहीं आता, मैंने कि ये मैं समझा नहीं वस्तु विनिमय कैसे हो गया, वो कोई चलो मेरे साथ क्या मुख्य देखो ये बाल्टी यहां रखी थी वो वहां रख दी है कोई ने, मैंने कि भूत आ गए हो तो प्रेत आ गया, मेरे भी समझ में नहीं आई, मैंने कि देखिए छोड़ दो घोटाला। पीछे दो तीन दिन बाद उत्तम जी ने कही मुझको तंग कर है रात भर तो मैं इनको याद कर रहा तंग कर तो भक्त गाली दें वेणु को, तो वेणु भी कुछ अपना तो रिवेंज ले ना, तो वस्तु विनिमय उत्तम जी की तरह कर गए कि भक्तन को मन उठा के वहां रखिया और वहां का स्वरूप अब परेशान होते रहो तो गाली दी जितनी गाली दी वहां को कुछ न कुछ तो रिवेंज ले लो ना कोई चोरी नहीं करे पर वस्तु विनिमय तो कह जाए ना, यहाँ की चीज उठा के वहां दर्द है, वहां की चीज उठा के यहां दर्द है, परेशान दोनों परेशान, वहां जो भी कुछ आकार रूप रस है वह यहाँ भक्त के हृदय में स्थित हो जाए वेणु के द्वारा, और यहाँ इनको जो मन है वो वहां स्थित हो जाए, अब परेशान दोनों तो क्या कर दू। वो कहें कि विषय रसो भगवदीय आकाराद बहिस्थापित, भगवदीय रस जो है वो आकार से बहिस्थापित कर दे, विशेषण हरणम यस्मादिति ललित त्रिभंग ललितादिकम, माने ए तेरी भौ की मरोरंग ते ललित त्रिभंगी भय अंजन दे चितये तब श्याम भय भाव। कहें कि या प्रकार को ललित त्रिभंगी रूप भी ध्यान करने में बड़ा सुख देतो तो तदपि इदानीम क्षोभजनकम, वो भी अब तो तकलीफ देवे लग गया, वो भी नहीं रुचे हमको, मने तेरो हंसनो नहीं सुहावे, तेरी प्रियता हमको नहीं सुहावे, तेरो संबंध हमको नहीं सुहावे, तेरो प्रेम से निहारनो हमको नहीं सुहावे, तेरो विहरण हमको नहीं सुहावे, जा यदि तू प्रकट नहीं होगा तो। बड़ी कठोर बात कह रही है। तत्पूर्वम अस्माभि ध्यातम इति ध्यान एव मंगलम, वाको हमने ध्यान किए तो पहले प्रमेय प्रकरण में भी तो ध्यान भयो ना, तो वेणु वादन करके और जा वक्त स्वरूप स्थापन भयो हृदय में तब ध्यान किए तो वो ध्यान ध्यान ही मंगल है तो महाराज, और सब कोई बात नहीं है ध्यान किए यही घोटाला भयो, नहीं ध्यान किए हो तो ये स्वरूप हृदय में नहीं पधारे हो तो हमारे तो काय कोई कष्ट होते। वो कहे कि तत्पूर्वम अस्माभि ध्यातम ध्यान एव मंगलम तद लक्षणम शुभम फलम प्रयच्छति तदपि इदानीं क्षोभजनकम तिरोहितत्वात् त इति सर्वत्र संबंध। ये जो कहो ना कि विहरणं च ते ध्यान मंगलम, ते मने तेरो, मने ते को संबंध सु तेरो हंसनो, तेरो प्रिय होनो, तेरो प्रेम सु निहारनो, तेरो विहरण सब हमको कष्ट दे, या कुछ ते क्यों कहो, तेरो क्यों कहो, तो कहें अन्यन माया पी करोती थी मुख्यतया अत्रोक्ति, और कुछ जो तेरे गुण होंगे
वो शायद माया से भी हो सके हैं, पर ये तो निश्चित तेरे ही हैं सारे अवगुण। मैंने ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य जो है वो तो कहीं माया से प्रकट हो जाए, माईक ऐश्वर्य प्रकट हो जाए कोई में, माईक जो है वो गुण ज्ञान प्रकट हो जाए, माईक जो है वो वैराग्य प्रकट हो जाए, सब प्रकट हो सके। पर जा तरह से तू हंसे है, जा तरह को तेरी प्रियता है, जा तरह को तेरो प्रेम वीक्षण है, जा तरह को तेरो विहरण है, वो तो कोई की ताकत नहीं है कि तेरे सिवाय और कोई कर सके। यहाँ के लिए ये सब तेरे है और तेरे है सो तकलीफ दे रहे हैं। बोल और कछु कहना। अन्य माया भी करोती थी मुख्यतया अत्रोक्ति एवं रूप संबंधे चतुष्टयम क्षोभकम उक्तम। ऐसे प्रभु के रूप से संबंधित चार बातें क्षोभक बताई। अब दो बातें जो हैं वो प्रभु के वाणी से संबंधित क्षोभक बता रहे हैं, रहस्य संविदित या हृदय। जो कुछ बातें संयोग में मिलन काल में तू हम सु करे चतुराई किए, वो सारी बातें भी जो है वो हमको तकलीफ दें जिनमें तेरी चतुराई प्रकट हुए। और जो बातें हमारे हित की करे कि भाई या तरह से तुम्हारा हित है या तरह से तुम्हारा हित है, वो हमारे हित विचार की बातों में भी तेरे जो हमको ख्याल आवे तो हमको हुआ कि हित विचार करके हमारो हितेच्छु बन के हमारा जो है वो स्नेह पात्र बने और फिर ऐसा हमारा हित करे नहीं, तो जो रहस्य संविद है और जो हृदय को छूने वाली मैंने जिनमें हमारे हृदय के हित करने की तेरी बातें तू करे है, वो सारी बातें जो है वो क्षोभजनक हैं। ये अब मैंने अतएव एते सुख हेतवोपी भवान वंचयति चेत तदा क्षोभम जनयन्ति। ये जो है ये सारे सुख के हेतु हैं। चार गुण तेरे रूप से संबंधित और दो गुण तेरे वाणी से संबंधित, ये सुख हेतु होते भय भी जा वक्त तू इनके द्वारा हमको ठगने लगे है तो हमको ये तकलीफ देने लगे हैं। ये बात बताई। अयम अर्थ सर्वानुभव सिद्ध इत्यर्था सब पूछ ले। मैं कह रही हूँ ऐसे नहीं, जितनी गोपी खड़ी हैं सब ये कह रही है। कहीं बात थामसी है तो कह रही है तो मैं ही नहीं कह रही हूँ, सबसे पूछ, कोई हमें ना पाड़े। मैंने वो कह रही है कि और की प्रार्थना में तो शायद मेरे को ऑब्जेक्शन होगा, तो मेरी प्रार्थना में इनको कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है। सर्वानुभव सिद्ध है प्रहसितम प्रियम प्रिय प्रेम वीक्षितम विहरणं चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मन क्षोभय। यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथते पदम् शिलतृणाङ्कुरै सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। राजस तामसी के मनक्षोभ के वर्णन के बाद राजस राजसी को मनक्षोभ अब यहां बताया जा रहा है। राजस्या वचनमाह चलसीति। ईसा कह है अपने स्नेह को और प्रभु के स्नेह की तुलना करे है। ये कहे कि तू हमारो स्नेह देख कैसो और तू तेरो व्यवहार देख, तेरो स्नेह देख हमारे प्रति कैसे। मूल में प्रेम वीक्षितम
जो तामसी ने कही, वह बात को ये थोड़ो अमेंडमेंट करे। वो कहे कि प्रेम वीक्षितम नो मन क्षोभयंती, ये कहे प्रेम से देखे कहा है तू, हम तो स्नेहवश जहां तुकू कष्ट नहीं पड़े वहां में भी हमारे स्नेहवश हमको कष्ट की बुद्धि होती रहे है। हम क्यों लगे कि तेरे को कष्ट हो रहा है, या बात को कष्ट है या बात को कष्ट है। असल में क्या है, सारे भक्ति मार्ग को रहस्य या में छुपे हुए, प्रभु को क्या कष्ट है? यदि ब्रह्मवाद की दृष्टि से देखो तो किमासनंते गरुड़ासन आए, ब्रह्मवाद की भूमिका में महाप्रभु जी कहें किम भूषणम कौस्तुभ भूषण आय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम। या तो गरुड़ जैसा आसन है वह कौन सा आसन बिछा में हम, या फिर कौस्तुभ मणि जैसा भूषण है वह क्या श्रृंगार धराए हम, या कि लक्ष्मी खुद स्वयं पत्नी है वह हम क्या भेंट धरें। और जो वाणी को बुद्धि को मन को, मन बुद्धि वाणी सबको प्रेरक है वाकी स्तुति भी क्या करे। आचार्य यही लिए पत्रावलंबन में आज्ञा करें ब्रह्मवादे निरुक्तिस्तु न वक्तव्य कुत्रचित, वस्तु तो सर्व ब्रह्मम ही, वस्तु तो सर्वम वस्तुत ब्रह्म सर्वम ही व्यवहार अस्तु लोकता। यदि एक वक्त ब्रह्मवाद को सिद्धांत अपना लें, माने बुद्धि में तो अपनाया ही है अपन ने मगर व्यवहार में, तो कौन बोले कौन को बोले क्या बोले सब कुछ ब्रह्म है। जो बोले सो भी ब्रह्म और नहीं बोले सो भी ब्रह्म, जो कही जाए बात सो भी ब्रह्म, जो नहीं कही जाए बात सो भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। तो वहां में कौन कौन को कहे क्या कहे क्यों कहे कुछ प्रयोजन नहीं है। समझो अभी तो अपने भाषा में एक एक शब्द को एक एक अर्थ होवे। जैसे मैं कहूं कि भाई मुझको जल पीना है, एक गिलास भर के जल लाओ, तो मुखु शब्द को एक अर्थ है, गिलास शब्द को एक अर्थ है, जल को एक अर्थ है, लाव को एक अर्थ है, सबके अर्थ अलग अलग हैं। सबके अर्थ अलग अलग हैं तो वाक्य बोलने पे वाक्य को अर्थ समझ में आवे। तो समझ लो कि कोई ऐसी स्थिति हो जाए अपने कि अपन एक ही शब्द बोल पाते हो, कोई भी एक शब्द, जैसे कौआ खाली काय काय करे, ज्यादा शब्द नहीं बोल पावे, ऐसे अपने भी कंठ से एक ही ध्वनि कोई निकल सकती है, कोई एक ही शब्द निकल सकते हो, और समझ लो कि वो शब्द ब्रह्म है। तो मुंह को जल पीना है, गिलास भर के लाओ, तो मैं बोलूंगा ब्रह्म 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 ब्रह्म। सोचो क्या अर्थ बया, जप हो रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे अर्थ समझ में आएगा आदमी को। पांच बार छह बार ब्रह्म ब्रह्म बोल दियो तो मुंह को जल पीनो है, गिलास में जल लाओ, ये अर्थ कैसे समझ में आएगा। तो ब्रह्मवाद को सिद्धांत ऐसा विकट सिद्धांत है कि सारे शब्द के अर्थ ब्रह्म है और सब कुछ ब्रह्म है। तो जो है सो भी ब्रह्म है, जो नहीं है सो भी ब्रह्म है, जो कह रहे हैं सो भी ब्रह्म है, जो नहीं कहे जा रहे हो सो भी ब्रह्म है, तो क्या कहना, बड़ी विकट परिस्थिति हो जाए। यही लिए आचार्य चरण कहें कि ब्रह्मवादे निरुक्तिस्तु न वक्तव्य कुत्रचित, ब्रह्मवाद अपना लो तो कुछ कहने लायक बात ही नहीं रह जाए। पर ब्रह्मवाद तो हतो ही, वह ब्रह्मवाद को छोड़ के ब्रह्म ने कुछ भगवत्ववाद अपनायो, थोड़ो परमात्मवाद अपनायो, थोड़ो भगवत्ववाद अपनायो, मैंने ब्रह्म तो हतो ही पर वाने थोड़ी कुछ एडिशनल क्वालिटी है परमात्मा होने की और अपनाई, भगवान होने की और थोड़े दो चार गुण अपनाए। तो भगवान बनियो तब कछु अपन बोल सके, ब्रह्म के सामने तो कुछ नहीं बोल सके, भगवतवाद में तो कुछ बोल सके, ब्रह्मवाद में तो बोले नहीं जा सके। क्यों? तो भगवतवाद मने क्या के ब्रह्म के ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य जामे हो वाकू भगवान के,
तो भगवान है तो ऐश्वर्य है, तो कोई ऐश्वर्य कुछ गाने वालों हो तो ऐश्वर्य है ना, गोपीकांत के जैसो। यश है तो कोई के सामने यश हो तो यश होएगो। शोभा है तो कोई माने क्रिटिक है तो आर्ट की ब्यूटी समझ में आएगी। कोई माने कनोजियर है तो आर्ट की ब्यूटी समझ में आएगी। ऐसे ब्रह्म में कोई श्री है तो वो भक्तन को समझ में आएगी, ज्ञानी को थोड़ी समझ में आएगी। ज्ञानी तो ब्रह्म बना देगा वो फिर, ऐश्वर्य भी ब्रह्म और यश भी ब्रह्म और श्री भी ब्रह्म, ज्ञान भी ब्रह्म और वैराग्य भी ब्रह्म। गोमयम पायसम, संस्कृत में गोमयम पायसम न्याय के अभाव में। गोमय शब्द मने गाय सु जो भी चीज पैदा होती है वो। अब गाय से तो दूध भी पैदा हुआ है, घी भी पैदा हुआ है, दही भी पैदा हुआ है, गोबर भी पैदा हुआ है। अब जहां खाने के प्रसंग में बैठे हुए हो आदमी और गोमयम लाव के तो कोई दूध आवे तो पेड़ा आवे तब तो बात है। गोमयम पाया सब कर दो तो गोबर भी ला के रख दे आदमी, क्योंकि है तो गोमय ना वो भी। तो ज्ञान की जो है वो ऐसी एब्स्ट्रैक्ट गति है कि जितनी जो गोमय की जितनी वेराइटी है वहां गोबर भी है तो वहां मक्खन भी है गोमय में, वो सब एब्स्ट्रैक्ट करके एक अद्वैत हो जाए, सब गोमय हो जाए। गोमय है कि नहीं? हाँ गोमय तो है, फिर क्या ना पाड़ रहे हो? पत्तल पे कोई गोबर परोस ले क्या करे आदमी? जब गो भक्त है वो तो बेचारा खा ले, और जो खाने को शौकीन है वो भक्त जैसो कहा जाए, वो तो कह रहे भाई नवनीत मांगे तो ये गोबर क्यों दे दिया पत्थर पे लाके? बोले क्योंकि अद्वैत है, वो भी गोमय है, ये भी गोमय है, ये भी गोमय, सब अद्वैत, छुट्टी हो जाए। गोमयम पायसम न्याय कहवावे संस्कृत में, कि पायस को गोमय समझ लो। बात तो गलत नहीं है, सब चीज ब्रह्म है ये बात गलत नहीं है, पर भक्त के अपनी अपनी भूख भी तो है कि नहीं कछु? खाली ब्रह्म होने से तो गोमय पायसम न्याय हो जाएगा। भक्त की भूख जो है वो ब्रह्म को भगवान बनावे। भक्त को भूख है ब्रह्म के ऐश्वर्य को जानने की, क्योंकि ईश्वर अपन जो वाके सेवक नहीं तो वो ईश्वर कौन को? अपन जो सेवक नहीं तो वो ईश्वर कौन को? और अपन जो वो ईश्वर नहीं तो हमें ऐश्वर्य कैसे? जो जो ईश्वर हो वाको ऐश्वर्य हो ना, बिना ईश्वर के तो ऐश्वर्य हो नहीं सके। तो वाको ऐश्वर्य अपने सेवक होने पर निर्भर करे। अपन सेवक हैं या लिए वामें ऐश्वर्य है? अपन वाके यश को गा रहे हैं या के लिए वो यश है, वामें यश है। अपन वाकी शोभा को समझ पा रहे हैं वाकी श्री को या के लिए ब्रह्म में श्री है? तो भक्त की भूख है ना, भक्त की भूख जो है वो ब्रह्म को भगवान बनावे। अब भक्त की भूख जब है वो ब्रह्म को भगवान बनावे, अब भगवान बन जाए ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, तो बोलने लायक स्थिति नहीं है, चुप रहो। पर जब ब्रह्म भगवान बन गयो, भगवान बन गयो वाके बाद ऐसा हम तो स्नेह दृष्टि से देखे और तू स्नेह दृष्टि से नहीं देखे, तो ये कहां को न्याय? सौदा तो जैसे ऐसा तो नहीं हो सका ना कि एक आदमी भतीजा और दूसरा आदमी काका ना हो। एक काका भतीजा तो आपसी संबंध है ना, यदि एक आदमी भतीजा है तो कोई न कोई गुजराती में तो कहे कि भ त्रीजो, एक भाई बीजी भाभी ने भ त्रीजो, तीसरा भाव है तो भत्रीजा कहवावे। तो एक आदमी काका है भतीजा है, दूसरो आदमी सामने काका होना चाहिए ना। बैठे बैठे एक आदमी तो भतीजा हो जाए वो कहके हमें काका ही नहीं, तो कैसे काम चल सकते? काका और भतीजा आपसी बात है ना, ख्याल में है ना? कहें कि एकलव्य ने ऐसे गुरु बनायो, चेला बनियो पर गुरु हते नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बात दूसरी हती कि द्रोणाचार्य ने वो तीर चलानो सिखायो नहीं खुद ने, पर एकलव्य तो द्रोणाचार्य से ही सीखो, क्योंकि वाकी भावना में इतनी ताकत हती कि द्रोणाचार्य न सिखाने वालों भी सिखाने वालों बन गया। और वो हती सच्ची भावना की परख कब भई? कि जब वो कहता नहीं कि अच्छा तू मेरा शिष्य है, माने वाणी क्या माने तो निकला गुरु दक्षिणा दे अंगूठा, मानी के यहां शिष्य या ले दे रहे अंगूठा, दे दिया अंगूठा।
भावना की सच्ची पहचान। बाबा कहते ये नहीं माने कोई ज्ञानी की तरह कि नहीं नहीं मूर्ति तो केवल प्रतीक हती। सच्चे द्रोणाचार्य सुमह का सीखे मूर्ति तो है वो प्रतीक है। प्रतीक तो क्या है, खाली जितनी देर नहीं आवे उतनी देर ध्यान नहीं एकाग्र हो उतनी देर मूर्ति रखी जाए, जब आ जाए वाके बाद मूर्ति को छोड़ के और तीर चलाने लग जाओ। ऐसा एकलव्य नहीं हो सके। जो एकलव्य है वो ऐसे नहीं कर सके, जो अनेक लव्य है वो या तरह को व्यवहार करें। जो एकलव्य है वो तो मूर्ति और द्रोणाचार्य में भेद नहीं माने। यदि मूर्ति और द्रोणाचार्य में भेद माने तो एकलव्य नहीं। एकलव्य को मतलब ये कि जो मूर्ति है तो द्रोणाचार्य है, जो द्रोणाचार्य है तो मूर्ति है। वाने आह्वान नहीं कियो, वाने प्रतिष्ठा नहीं की, वाने पूजन नहीं कियो, ब्राह्मण को नहीं बुलायो, अपने भावनासु वाने ये द्रोणाचार्य की मूर्ति पधराई, तीर चलानो ऐसो आ गयो कि अर्जुन को भी नहीं आयो। या को साक्षात द्रोणाचार्य सिखा रहे हो तो आपको वैसो तीर चलानो नहीं आयो। मैंने अर्जुन को चिंता हो गई कि तुमने तो महाराज वचन दियो तो हमको क्या, मेरे से उत्तम कोई शिष्य नहीं और ये क्या कौभांड है यहां। मैंने कि भाई पता नहीं चलो ऐसा कौभांड कैसे हो गयो, पर वो कर्म से सीखो तो और ये भाव से सीखो तो तीर चलाना। ख्याल में जो कर्म से सीखे और जो भाव से सीखे वहां में तो अंतर है ना। तो पुष्टि भक्त जितने जो हैं वो भाव से ऐसा भगवत आराधन सीखे हैं, कर्म से नहीं सीखे। वहां शास्त्रीय आज्ञा नहीं है कैसो जलम समर्पयामी, नैवेद्यम समर्पयामी, धूर्वसी धूर्वतितम धूर्वती योस्मान धूर्वतितम वयम धूर्वाम इति धूपम समर्पयामी। वो शास्त्रीय आज्ञा जैसे द्रोणाचार्य कहते अर्जुन को कि हाँ देख वो वृक्ष है, उन्होंने कहा यहाँ वृक्ष है चलाती है, उन्होंने कहती चलायो।